Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you all are having a great day. Previously जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने आपको एम सी एस 11 के टॉपिक्स के बारे में बताया है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एम सी एस 11 ही है वो. ये थोड़ी सी मुझे कोड में कन्फ्यूजन हो जाती है. और अभी मैं आपके साथ एम सी एस 12 और एम सी एस 15 के बारे में बताने वाली हूँ. तो एम सी एस 15 क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटू सा है इसलिए मैंने इसे इसी में ही इंक्लूड कर लिया है इस वाले वीडियो में. तो जब आप एम सी एस 12 की अपनी जो बुक लोगे ये अगेन आपका सेकेंड एक मेन थ्योरी पेपर है. पहला वाला आपका एम सी एस 11 था, दूसरा वाला आपका एम सी एस 12 है. इसमें आपके पास ऑल टोटल 4 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करूँ तो ब्लॉक 1 में आपका नॉर्मली बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है जो आपने ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है. जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर जनरेशन वगैरह है, बस यही सारी चीज़ें हैं. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है देन आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी. और अगर आपने पढ़ लिया है तो सिंपली एक रीड दे देना है इसे, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है. उसके बाद इसमें एक और पार्ट है डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको मेनली नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा. जो भी आपके ASCII कोड है, बाइनरी कोड है, जो भी कन्वर्जन्स वगैरह है, जो उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसे बताया जाएगा. इस वाले टॉपिक से आपका कभी प्रोग्रामिंग भी आ सकता है या फिर 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो इस वाले पार्ट को स्किप नहीं करना, बस देख लेना एक बार क्या है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक गेट, जिसका 2 यूनिट्स है यहाँ पे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2. इस यूनिट को तो प्लीज़ 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 भूल से भी इसे स्किप नहीं करना, क्योंकि लॉजिक गेट्स का यहीं पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके 2 यूनिट में. और इन्हीं लॉजिक गेट्स के थ्योरी के साथ आप इसके जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है आपका मैथ्स जो है वहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों यूनिट्स को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है. सब कुछ छोड़ दो लेकिन इनको सबसे ज़्यादा मन लगा करके आपको पढ़ना है. तो यहाँ पर आपका ब्लॉक 1 जो है वो कम्प्लीट हो गया. फिर आता है ब्लॉक 2. यहाँ पर भी जस्ट नॉर्मल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है. नॉर्मल सी जो चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. आप एक बार उठा के देख लेना इसके यूनिट्स को. अगर आपको लगता है कि रीड करने की ज़रूरत है तो आप बेशक कर सकते हो, और अगर नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो. ओके, स्किप मतलब ये नहीं कि आपने नहीं पढ़ा और आपने स्किप कर दिया. अगर क्वेश्चन इनसे आ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगर आपने पढ़ा है तो ही आप स्किप करना, नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ लें. देन कम्स ब्लॉक 3, जिसमें CPU, अगेन CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो अगेन आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है. तो आपको मेनली यहाँ पे ज़्यादातर सिर्फ रिवीजन करना है. आधा जो इसमें जो सिलेबस है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही सिलेबस है. सिर्फ लॉजिक गेट यहाँ पे न्यू है जिसे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. ब्लॉक 4 में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स और असेंबली लैंग्वेज आ जाएंगे. असेंबली लैंग्वेज को आपको फोकस में रखना है क्योंकि ये आपको प्रोग्रामिंग में आगे हेल्प करेगा. जब आप सी की प्रोग्रामिंग बनाओगे ना तो वहाँ पे आपको असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये हो गए आपके ब्लॉक 1, 2, 3, 4 के जितने भी टॉपिक्स थे वो. और इसमें थोड़ा सा अगर आपको न्यू चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा तो वो है लॉजिक गेट. अगर आपने 12th में साइंस लिया होगा तो फॉर श्योर आपने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा होगा. और अगर नहीं लिया है कोई बात नहीं, कोई भी एक वीडियो खोल लो यूट्यूब पे रैंडम सा और वहाँ पे आप देख लो कि लॉजिक गेट्स होते क्या हैं. और फिर ये असेंबली लैंग्वेज वगैरह भी हैं तो थोड़ा सा इन्हें भी देख लेना. ये 2-3 जो है वो न्यू टॉपिक्स हैं. उसके बाद अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ MCS 015 की, तो यहाँ पे बेसिकली आपको आपकी पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए इस कोर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है. जब आप प्लेसमेंट्स वगैरह के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे ना, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, किसी प्राइवेट कंपनी में, वहाँ पे आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी तो आपको ज़्यादा वहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेंगे जॉब लेने में भी और जॉब को वहाँ पे करने में भी. मीटिंग्स वगैरह कैसे होती हैं, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, जॉब एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखी जाती है, कोई नोटिस है उसे कैसे दिया जाता है, मेल वगैरह कैसे किया जाता है. अगर आप अपने बॉस को मेल कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो वहाँ इंटरव्यूअर के सामने आप बैठ रहे हो तो आप में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा फ्लुएंटली बात कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बस नॉर्मल सी दी हुई है. ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जैसे इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही हैं. बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे जॉब एप्लीकेशन वगैरह है, लेटर्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है. ये सारी चीज़ें आपको बस एग्ज़ाम से पहले 1 हफ्ते पहले रीड दे देना, बस इससे और ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं. जो नॉर्मल होता है इंग्लिश का सिलेबस बस वही है. सो दैट्स इट.
मैंने आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स को बता दिया, इंक्लूड कर दिया एक ही वीडियो में। तो अब आप पढ़ो आराम से, आपके पास टाइम तो फिलहाल बहुत ही कम है इसमें से मैंने जितना बताया है। अगर आप MCS 12 में ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर लॉजिक गेट्स को कवर कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इस 2 यूनिट से आपका 2 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी हेल्प हो सकता है और प्लस आपकी ये थ्योरी पेपर में भी हेल्प कर सकता है। एंड हाँ, मैंने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देख ली है, कुछ चैनल्स ने भी उसे अपलोड किया था कि इग्नू ने जो अभी न्यू असाइनमेंट सबमिशन की डेट है आई थिंक 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया है उसे, जो कि 30 अप्रैल तक था पुराना वाला जो डेट था, यानी कि कल तक लास्ट डेट था। बट अभी न्यू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डेट को एक्सटेंड करके 31 मई तक कर दिया गया है। मतलब आपके पास 1 महीने का और टाइम है आपके असाइनमेंट को जमा करने के लिए। तो आराम से चिल हो करके अब अपने असाइनमेंट्स को बनाओ, हड़बड़ी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हमारे पास अब बच गए हैं आई थिंक 1-2 लैब वाले एक बच गए हैं, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बच गया है। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में बताने के लिए ऐसा कुछ है नहीं जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगी। मैथमेटिक्स में आपको लॉजिक गेट्स वगैरह के लाइक रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे, तो उसके लिए आपको MCS 12 से ही प्रैक्टिस करनी होगी। अगर MCS 12 में आपका थ्योरी स्ट्रांग रहेगा देन आप ऑब्वियसली मैथमेटिक्स भी क्वेश्चंस को समझ करके सॉल्व कर सकोगे। तो अब बच गई आपकी लैब की चीज़ें। लैब वाली चीज़ें मैं आराम से बताऊंगी, क्योंकि अभी लैब के लिए आपको हड़बड़ी नहीं है। मेनली अभी आपको थ्योरी पेपर के लिए अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। पढ़ने का मन नहीं हो बट फिर भी थोड़ा सा मन लगा करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय।